Good afternoon, everyone. In the previous lecture, we have seen the flexibility method for the beam as well as frame. Okay, totally max to max, हम लोगों ने complicated problem लिया था last time. So easy problem भी आपको अगर चाहिए तो आप देख सकते हो channel पे. So today we will take the another method. जो truss का जो problem है flexibility method के लिए वो हम लोग last में देखेंगे. Let us see, जितना methods हम लोग cover कर सकते हैं वो पहले हम लोग देखेंगे. So today we will start the stiffness method of analysis. Stiffness method of analysis, it is totally reverse of the flexibility method. As flexibility method it is a force method, whereas stiffness method it is a your displacement method. सिंपली देखो, अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है, यू कैन फाइंड आउट दी स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑल्सो. बिकॉज इफ यू लर्न द रिलेशन बिटवीन द स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, देन स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी आर म्यूचुअली इनवर्स टू ईच अदर. मीन्स इफ यू नो द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, स्टिफनेस मैट्रिक्स, इफ यू डिनोट इट बाय द एस, देन इट कैन बी फाइंड आउट बाय दिस इक्वेशन. ओके, दैट इज स्टिफनेस विल बी इनवर्स ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स. So today we will learn one by one concept and then we will learn the actual problem. So first one, जैसे वहाँ पे flexibility coefficient था, यहाँ पे हम लोग stiffness coefficient learn करेंगे. Okay, stiffness coefficient को हम लोग कैसे denote कर सकते हैं? कुछ books में तुम लोगों को S भी denote करके दिया हुआ है. So it depends on you कैसे तुम लोगों को denote करना है. So stiffness coefficient. Okay, flexibility coefficient देखा था, it is nothing but displacement ड्यू टू द यूनिट लोड. उसके टोटली रिवर्स रहेगा ये स्टिफनेस कोएफिशिएंट. स्टिफनेस कोएफिशिएंट, इट इज़ नथिंग बट लोड रिक्वायर्ड. वी कैन से दैट इज लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट. ओके, जो अपना जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स था वो रिवर्स था. इट इज़ नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू द यूनिट लोड. यहाँ पे हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे स्टिफनेस मतलब क्या रहेगा? इट इज़ नथिंग बट लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट. मतलब अपने को अगर स्टिफनेस कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू अप्लाई द यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट. यानी कि अगर मैं के आई जे बोलता हूँ तो आई रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट फॉर द लोड, दैट इज लोड प्रोड्यूस्ड, और वी कैन से लोड रिक्वायर्ड एट आई कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट जे कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पे अगर डिटेल में लिखना है तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज लोड रिक्वायर्ड और अप्लाइड लोड रिक्वायर्ड एट आई कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट जे कोऑर्डिनेट. यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट जे कोऑर्डिनेट एट जे कोऑर्डिनेट. सो सिंपली हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट, उसके परफेक्टली रिवर्स आप ऑब्जर्व कर सकते हो. इट इज नथिंग बट लोड रिक्वायर्ड एट आई कोऑर्डिनेट. तो वॉट एवर जो स्टेप्स रहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के, इसकी टोटली रिवर्स हम लोग यहाँ पे तुम लोगों का एक्चुअल स्टेप्स यहाँ पे लिखते हैं. सो मोस्टली स्टिफनेस मैट्रिक्स, इसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, दैट इज इट इज़ रिलेटेड टू योर काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी. इट इज़ रिलेटेड टू काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी. सो वॉट एवर जो हम लोग आई के का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ऑन डिपेंड दैट आई के वैल्यू अपने को एक्चुअल स्टिफनेस मैट्रिक्स के डिग्री मिलेंगे. मतलब कितना नंबर ऑफ अननोन अपने को फाइंड आउट करना है वो अपने को आई के से पता चलने वाला. सो फर्स्ट स्टेप जो रहेगी यहाँ पे, अपने को काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी फाइंड आउट करना पड़ेगा. जैसे हम लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में अगर तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो वहाँ पे हम लोगों ने आई एस का वैल्यू फाइंड आउट किया था. यानी कि अपना बेसिक जो अननोन था फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में, इट इज़ नथिंग बट आई एस, दैट इज स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी. वेयर एज जब मैं स्टिफनेस मेथड की बात करूंगा तो वहाँ पे अपना जो बेसिक अननोन रहेगा, इट इज़ नथिंग बट योर डिस्प्लेसमेंट. मतलब जो अपना पहला आउटपुट आएगा, इट विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट. इसीलिए इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू राइट ये कैटेगरी, अगर तुम लोगों को पता होना चाहिए तो ये हम लोग लिख सकते हैं, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट मेथड. तो
डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए चलो हम लोग ग्रेक लिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोग इसमें क्या क्या चेंजेस करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद दी स्टेप्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द योर एनालिसिस यूजिंग द स्टिफनेस मेथड. तो स्टेप्स में हम लोग देखो, पहला अगर स्टेप हम लोग देखेंगे तो स्टेप नंबर वन जो रहेगा दैट इज सिमिलर, वहाँ पे हम लोगों ने आई एस कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे हम लोग आई के कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द आई के. तो डिपेंडिंग ऑन द बीम यहाँ पे आई के हम लोग फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस कंसिडर, यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि एक यहाँ पे बीम मैंने कंसिडर किया है. ओके, कैंटिलियर बीम भी बोल सकते हैं हम लोग, इट डिपेंड्स ऑन यू कौन सा तुम लोगों को स्टडी करना. लेट अस कंसिडर यहाँ पे मैंने रूलर कंसिडर किया हुआ. ओके, तो रोलर का चेक करोगे तो आई के का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, 1. ओके, वी विल नॉट कंसिडर दिस हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज बीम की जब हम लोग बात करेंगे या फिर फ्रेम की बात करेंगे, वी निगलेक्ट द एक्सियल डिफॉर्मेशन. तो एक्सियल डिफॉर्मेशन अगर निगलेक्ट करता हो तो देर विल बी ओनली 1 आई के वैल्यू, दैट इज नथिंग बट थीटा बी, दैट इज आई के इज थीटा बी ओनली. सो नाउ स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया था, दैट इज वी हैव रिमूव्ड दी योर रिएक्शन. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द रिएक्शन. ओके, यानी कि उसका रिवर्स करेंगे हम लोग. यहाँ पे क्या था, रोलर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको फिक्स कर देंगे, दैट इज प्रोवाइड द फिक्सिडिटी, प्रोवाइड फिक्सिडिटी इन द डिरेक्शन ऑफ, इन द डिरेक्शन ऑफ, इन द डिरेक्शन ऑफ योर जो अननोन वैल्यू है वो, इन द डिरेक्शन ऑफ आई के. मतलब वहाँ पे हम लोगों को बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर मिलता था, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा, दैट इज यहाँ पे अपने को मिलेगा फिक्स स्ट्रक्चर. यानी कि जो भी तुम लोगों का आई के का वैल्यू रहेगा एट दैट पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, उसको फिक्स कर देंगे. तो यहाँ पे मैं खुद से यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसे इंडिकेट कर देता हूँ, दैट इज जो भी पॉइंट रहेगा या फिर जॉइंट्स रहेंगे वो सब के सब जॉइंट्स हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देंगे. ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. After that we will apply the coordinates. वहाँ पर भी हम लोगों ने coordinate apply किया था, यहाँ पर भी मैं coordinate apply करूँगा. So यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ this is our first coordinate. तो depending on number of unknowns, यहाँ पर first, second, third unknowns तुम लोगों के यहाँ पर coordinate change होने वाले हैं. तो इसलिए मैं यहाँ पर first coordinate आई के का वैल्यू थीटा बी है, थीटा बी इज रोटेशन, तो रोटेशन यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, दैट इज अवर फर्स्ट कॉर्डिनेट. डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल भी रह सकता है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग दिखा सकते हैं, बट आई के में वो आना चाहिए. यहाँ पे रिएक्शन है तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग एक ही कंसिडर कर रहे हैं. आफ्टर गेटिंग दिस, स्टेप नंबर 3 जो रहेगा, इट इज नथिंग बट डिटर्मिनेशन ऑफ योर फिक्स्ड एंड मोमेंट. FEM अपने को यहाँ पे लगने वाला है बिकॉज जो हम लोगों ने वहाँ पे डेल्टा 1L निकाला था, यहाँ पे हम लोग डेल्टा 1L नहीं निकालते. वी हैव टू डिटरमाइन दी फोर्स, ओके, ड्यू टू दी एक्सटर्नल लोडिंग इन द डिरेक्शन ऑफ कॉर्डिनेट. तो यहाँ पे जो हम लोग निकालेंगे उसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज P1L या फिर PL बोलते हैं, बिकॉज टोटल वर्क हम लोग इसके अंदर ही करने वाले हैं. तो इट इज नथिंग बट रिएक्शन, रिएक्शंस इन द कॉर्डिनेट, इन द कॉर्डिनेट डिरेक्शन, इन द कॉर्डिनेट डिरेक्शन ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग ओनली, ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग ओनली. तो यहाँ पे जो फिक्स किया रहेगा ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, इस कोऑर्डिनेट के डिरेक्शन में कितना रिएक्शंस आएगा. ओके, इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे कोऑर्डिनेट डिरेक्शन क्या है, यहाँ पे रोटेशन, मतलब रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कोऑर्डिनेट विल बी नथिंग बट मोमेंट. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, FEM निकालेंगे. तो फिक्स्ड एंड मोमेंट इसकी वजह से आएगा, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से इन दिस डिरेक्शन, यानी कि MB, FE. यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं PL इज नथिंग बट यूर MFBA ओनली. ओके, तो उसका डिरेक्शन कैसे हम लोग लेंगे, अगर ये क्लॉकवाइज है, कोऑर्डिनेट देखो क्लॉकवाइज है, मतलब तुम लोगों का यहाँ पे इसका वैल्यू ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग क्लॉकवाइज आ गया तो वो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो वो नेगेटिव आएगा. तो डिपेंडिंग ऑन द कोऑर्डिनेट डिरेक्शन ओनली. आफ्टर दैट स्टेप नंबर 4 जो रहेगा, इट इज नथिंग बट डिटर्मिनेशन ऑफ योर स्टिफनेस मैट्रिक्स. स्टिफनेस मैट्रिक्स बहुत सिंपल है बिकॉज यहाँ पे अपने को ज़्यादा फॉर्मुलेशन करने की ज़रूरत नहीं रहती है.
स्टिफनेस मैट्रिक्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसका डिग्री अपने को मिलेगा डिपेंडिंग ऑन दी आई के वैल्यू। अभी यहाँ पे आई के वन है मतलब यहाँ पे एक ही मिलने वाला। सो स्टिफनेस मैट्रिक्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, वी विल ड्रॉ दिस डायग्राम जो हम लोगों ने अभी बनाया था वही डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। वहाँ पे हम लोग बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर लिखते थे, यहाँ पे हम लोग टोटल इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर लिखेंगे, यानी कि सब जॉइंट्स यहाँ पे फिक्स रहेंगे। देन वी विल रिमूव द एक्सटर्नल लोडिंग, फर्स्ट रिमूव एक्सटर्नल लोडिंग, जैसे वहाँ पे भी किया था तो यहाँ पे भी हम लोग एक्सटर्नल लोडिंग रिमूव कर देंगे। एंड वी रिक्वायर्ड दी योर वी कैन से लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट। तो देखो अपना यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ओनली वन कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे मैं वन कोऑर्डिनेट यानी कि रोटेशन है, तो मतलब इस सपोर्ट को मैं रोटेट करूंगा इन द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन, यानी क्लॉकवाइज यहाँ पे मैं रोटेशन अप्लाई करूंगा वन डिग्री का। तो जब मैं यहाँ पे रोटेशन अप्लाई करता हूँ तो देखो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कैसे होगा, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ वन डिग्री से, मतलब ये सिंपली ऐसे रोटेट होगा। ओके वॉट एवर ये जो तुम लोगों का है, ये तुम लोगों का रोटेशन रहेगा वन डिग्री। सो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ, छोटा भी लिख दिया तो भी चलेगा। सो इफ़ यू ऑब्जर्व दिस एंगल जो रहेगा इट इज़ क्लॉक वाइज, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, दैट इज़ वी आर अप्लाइंग थीटा बी इज इक्वल्स टू वन। ओके ये वन डिग्री हम लोग अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट ऑब्वियसली अगर मैंने यहाँ पे वन डिग्री लोड अप्लाई कर दिया यानी कि थीटा बी अप्लाई कर दिया तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो वी हैव टू यहाँ पे वी हैव टू ड्रॉ द डिफ्लेक्टेड शेप। ये पहले 90 डिग्री था तो आफ्टर डिफ्लेक्शन ऑल्सो दे हैव टू मेंटेन द 90 डिग्री, और यहाँ पे भी फिक्स है तो ये भी फिक्स 90 डिग्री ही रहना चाहिए। ओके देखो मैंने इसको सिर्फ रोटेट किया है वन डिग्री से रोटेट किया है, ये तुम लोग का फिक्स था, फिक्स सपोर्ट रहता है तो उसका एंगल कभी चेंज नहीं होता है विद दिस सपोर्ट। तो बिफोर डिफ्लेक्शन यहाँ पे 90 डिग्री था, ब्लू वाला लाइन देखोगे, तो आफ्टर डिफ्लेक्शन भी ये 90 डिग्री मेंटेन करना चाहिए, तो इसलिए ये ऊपर की तरफ से निकलेगा। यहाँ पे चेक करोगे तो बिफोर डिफ्लेक्शन भी ये वैसे ही है, आफ्टर डिफ्लेक्शन भी वैसे ही है, मतलब उसके बाद भी ये 90 डिग्री मेंटेन करने के लिए ये स्ट्रेट लाइन निकलेगा और फिर ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। सो ड्यू टू द डिफ्लेक्शन ऑलरेडी हम लोग को फिक्स्ड एंड मोमेंट पता है, जब डिफ्लेक्शन हम लोग अप्लाई करते हैं दैट इज़ इफ़ यू अप्लाई द रोटेशन, तो रोटेशन के वजह से अपने पास यहाँ पे मोमेंट जनरेट होते हैं, दैट इज़ एट दी जिस डिरेक्शन में हम लोगों ने रोटेशन अप्लाई किया उस डिरेक्शन में यहाँ पे एक मोमेंट जनरेट होगी, उसके फार एंड के ऊपर भी सेम डिरेक्शन में यहाँ पे मोमेंट जनरेट होगी, और उसका वैल्यू कितना रहता है, इट इज़ कॉन्स्टेंट, दैट इज़ 4EI थीटा डिवाइडेड बाय एल। 4EI थीटा तो हम लोगों ने 1 अप्लाई किया तो इसलिए ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, और फार एंड के ऊपर जिस एंड पे मैंने मोमेंट अप्लाई यानी रोटेशन अप्लाई किया है उसके फार एंड के ऊपर 2EI डिवाइडेड बाय एल इतना मोमेंट जनरेट होता है। सो अगर मैं यहाँ पे K11 की वैल्यू निकालूंगा तो K11 क्या इंडिकेट करेगा, दैट इज K11 बिकॉज यहाँ पे A की वैल्यू है। सो इफ यू राइट K11 तो K11 इज नथिंग बट लोड प्रोड्यूस्ड at first coordinate only due to unit displacement in first coordinate or we can say at first coordinate। तो यहाँ पर अगर check करोगे तो first coordinate पर मैंने यहाँ पर unit displacement apply कर दिया। ओके यहाँ पर unit displacement apply कर दिया तो first coordinate के ऊपर कितना यहाँ पे फोर्स जनरेट हुआ इन द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन। कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे रोटेशन है तो रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या रहता है, मोमेंट। तो यहाँ पे कितना मोमेंट जनरेट हुआ, दैट इज नथिंग बट अवर K11। सो इट इज नथिंग बट 4EI डिवाइडेड बाय L। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज K11 इज नथिंग बट 4EI डिवाइडेड बाय L, और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा बिकॉज जो मोमेंट जनरेट हुआ है वो भी क्लॉकवाइज है और अपना जो कोऑर्डिनेट था वो भी क्लॉकवाइज है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो नाउ इसके लिए अपने पास एक ही है अभी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक ही कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, बट देर में भी चांसेस कि अपने पास आई के का वैल्यू मोर देन वन रहेगा, एट दैट टाइम वी हैव टू अप्लाई दी यूनिट डिस्प्लेसमेंट एंड डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, एंड ड्यू टू दैट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स और स्टिफनेस कोएफिशिएंट्स। After getting this stiffness matrix, that is step number 5, after that we have this step number 5. In this step number 5, if you observe the flexibility method, in that we have done the
कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, यहाँ पे हम लोग जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं, जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और वी कैन से ओनली इक्विलिब्रियम इक्वेशन बोल दिया तो भी चलेगा। एक सिंगल जॉइंट के ऊपर हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज नथिंग बट टोटल लोड एट ए जॉइंट, टोटल लोड एट ए जॉइंट, ये पी का मतलब रहता है, कैपिटल पी इज नथिंग बट एक्चुअल टोटल लोड, यानी एक्सटर्नली उस जॉइंट के ऊपर कुछ लोड प्रेजेंट है क्या नहीं, ये रहेगा वो कैपिटल पी, इज इक्वल्स टू पी एल, दैट इज लोड ड्यू टू दी, यानी कि रिएक्शंस ड्यू टू दी एक्सटर्नल लोडिंग, प्लस यूर स्टिफनेस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई यूर डेल्टा, डेल्टा इज नथिंग बट यूर अननोन डिस्प्लेसमेंट, के इज नथिंग बट यूर स्टिफनेस, और ये तुम लोगों का रहेगा, दैट इज लोड ड्यू टू, और वी कैन से रिएक्शंस ड्यू टू दी एक्सटर्नल लोडिंग, और ये एक्चुअल लोड प्रेजेंट इन दी कोऑर्डिनेट डायरेक्शन। सो दिस इज योर एक्चुअल इक्वेशन जो हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड आउट दी डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखो पी तो अपने को ऑलरेडी नोन रहेगा डिपेंडिंग ऑन योर डायग्राम, यहाँ पे अगर चेक करोगे अगर कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में यानी कि जॉइंट बी के ऊपर अगर कोई मोमेंट है तो वो कैपिटल पी के मैट्रिक्स में आएगा। पी एल तो हम लोग निकालेंगे और के का वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे, डेल्टा जो रहेगा तुम लोगों का अननोन रहेगा, सो इफ यू पुट दी वैल्यूज इन दिस इक्वेशन वी विल गेट दी डेल्टा वैल्यू। वंस वी गेट दी डेल्टा वैल्यू, अपने पास यहाँ पे स्टेप नंबर 6 रहता है, जो नॉर्मली हम लोग को एक और मेथड थी जिसमें हम लोग को मिलता था, लेकिन अभी ये मेथड तुम लोग का सिलेबस से निकाल दिया गया है, सो वी विल जस्ट यूज दैट इक्वेशन ओनली, दैट इज स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ओके, मोस्ट ऑफ द जन तुम लोग डिप्लोमा से हो तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन मोस्टली तुम लोगों को पता रहेगा। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस आर नथिंग बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एक्चुअल फोर्सेस, यहाँ से अपने को बेसिक अननोन मिल जाएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, इसलिए उसको डिस्प्लेसमेंट मेथड बोला है। बट एनालिसिस के लिए अपने को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं लगता है, अपने को यहाँ पे मोमेंट्स भी फाइंड आउट करना होता है। सो आफ्टर गेटिंग दिस बेसिक अननोन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दी एक्चुअल मोमेंट्स। सो एम ए बी की बात करूंगा तो दैट एम ए बी विल बी इक्वल्स टू एम एफ ए बी, दैट इज फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस टू ई आई डिवाइडेड बाय एल इन ब्रैकेट टू थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस थ्री डेल्टा डिवाइडेड बाय एल। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। सो जो जो वैल्यूज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगी वो हम लोग निकाल सकते हैं। एज इफ यू सी यहाँ पे सिर्फ थीटा बी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे जीरो हो जाएंगे, सिर्फ थीटा बी यहाँ पे अप्लाई होगा और वी विल फाइंड आउट दी एम ए बी फॉर दी गिवन बीम, जो बीम हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं उसके लिए बोल रहे हैं। अदरवाइज डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा जो रहेगा इट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन। ओके, परपेंडिकुलर मतलब ये वर्टिकल वाला डिफ्लेक्शन ही अपने को देखना है, अलॉन्ग दी लाइन नहीं देखना है, अलॉन्ग दी एक्सियल डायरेक्शन तुम लोगों का डिफ्लेक्शन कंसिडर नहीं होगा बिकॉज वी आर निगलेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। सो बाई यूजिंग दिस इक्वेशन वी विल फाइंड आउट दी फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, सॉरी फिक्स्ड एंड नहीं, एक्चुअली एंड मोमेंट्स, एंड वंस वी गेट दी एंड मोमेंट्स वी कैन ड्रॉ दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम। सो दीज आर दी स्टेप्स फॉर अवर कैलकुलेशन यूजिंग दी स्टिफनेस मेथड। ओके, वंस वी गेट 1 to 2 एग्जाम्पल्स you will get interest in this method because it is very simple method and it can be used for the software analysis in different languages hum log ye method use karte hain, so you can design one of the software to analyze the beam, we just have to give the inputs and we can directly find out the reactions, it's because isme number of unknowns hum log kitne bhi find out kar sakte hain, but for that only we have to solve the matrices। तो जैसे ही अपने को ज़्यादा अगर मैट्रिसेस मिलता है वी कैन यूज़ दी मैटलैब, अदरवाइज प्रोटॉन या फिर सी प्लस प्लस जावा टू फाइंड आउट दी मैट्रिक्स सॉल्यूशन। लेट अस सी दी वन ऑफ द एग्जांपल, यहाँ से हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ओनली वन अगर अननोन ले लिया तो आई थिंक इट विल बी वेरी सिंपल, यहाँ पे मैं दो अननोन ले लेता हूँ, सो यू विल गेट द प्रॉपर आइडिया कि दो अननोन आ गए तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं और हाउ दे आर इंटरनली वी कैन से इंटर रिलेटेड। सो लेट अस कंसिडर, यहाँ पे हम लोग एक बीम कंसिडर करते हैं। ओके, प्लीज बी रेडी विद द कैलसी बिकॉज आई डोंट हैव द कैलकुलेशन, वी आर डायरेक्टली स्टार्टिंग द एग्जाम्पल। लेट अस कंसिडर यहाँ पे हम लोग यूडीएल अप्लाई कर लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी, यहाँ पे मैं एक सेंट्रल पॉइंट लोड ले लेता हूँ, यूडीएल का इंटेंसिटी लेट अस कंसिडर 20 ले लेते हैं, चलो 20 किलोन्यूटन पर मीटर, वेर एज यहाँ पे पॉइंट लोड हम लोग 100 किलोन्यूटन ले लेते हैं, सो दैट यू विल गेट द कैलकुलेशन प्रॉपरली। लेट अस टेक ए बी डिस्टेंस इज 4 मीटर, ये तुम लोगों का बी सी के लिए भी इफ यू वॉन्ट ये ए बी 4 नहीं लेते, थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं। लेट अस दिस इज 5 मीटर, दिस इज 2 मीटर और ये 2 मीटर।
ओके ई आई भी अगर वैरी होता है तो भी चलेगा, बिकॉज वॉट एवर ई आई का भी अपने को यहाँ पे रिलेशन मिलने वाला है. जब हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज़ करेंगे तो ई आई तुम लोग का वहाँ पे यूज़ होगा. अप टू दैट मोस्टली तुम लोग का ई आई, यस स्टिफनेस मैट्रिक्स में भी ई आई तुम लोग का यूज़ होने वाला है. सो लेट अस कंसिडर फर्स्ट प्रॉब्लम लोग ई आई कॉन्स्टेंट के लिए ले लेते हैं. आफ्टर द सेकेंड प्रॉब्लम के लिए हम लोग देख लेंगे कि ई आई हम लोग कैसे वैरी करेंगे. सो नाउ यहाँ पे अगर चेक करोगे तुम लोग का आई एस का वैल्यू भी 2 है, आई के का वैल्यू भी 2 ही है. ओके प्लीज़ अगर कुछ डाउट है आई एस और आई के में तो भी आप पूछ सकते हो. इफ़ यू चेक आई के का वैल्यू, यहाँ पे अगर आई के फाइंड आउट करोगे तुम लोग, आई एम नॉट राइटिंग दिस स्टेप वाइज, वी कैन डायरेक्टली टेक वो स्टेप, सिर्फ तुम लोग याद रखो जिससे तुम लोग को आइडिया आ जाए कि हम लोग कैसे सोल्यूशन बनाते हैं. आई के हम लोग देखेंगे, आई के इज़ नथिंग बट अलोवेबल डिस्प्लेसमेंट्स. ओके डिस्प्लेसमेंट अगर चेक करोगे वन बाय वन, एट पॉइंट ए देर विल नॉट बी एनी डिस्प्लेसमेंट बिकॉज इट इज़ फिक्स सपोर्ट. तो फिक्स सपोर्ट है मतलब इट विल नॉट मूव इन दी अपवर्ड डिरेक्शन, इट विल नॉट मूव इन दी हॉरिजॉन्टल डिरेक्शन, और ये रोटेट भी नहीं हो सकता. जब मैं बी की बात करूंगा तो यहाँ पे देखो रोलर सपोर्ट है. रोलर है मतलब यहाँ पे रोटेशन ऑब्वियसली अलाउ है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी अलाउड रहेगा, लेकिन हम लोग आई के का वैल्यू यहाँ पे जो लेते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स में, इट इज नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन. सो जब तक ये ए बी मेंबर एक्सपांड या फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तब तक इसका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा. सेम विद दी सी पॉइंट, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कब पॉसिबल होगा, जब ए बी सी जो मेंबर है वो एक्सियली डिफॉर्म हो सकता है तब. लेकिन हम लोग एक्सियल डिफॉर्मेशन ही निग्लेक्ट कर रहे हैं तो देर इज नो नीड टू कंसिडर दी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन. सो नाउ आई के हम लोग बोल सकते हैं एक एट बी पॉइंट यहाँ पे थीटा बी एक रहेगा और एट सी पॉइंट यहाँ पे थीटा सी रहेगा, यानी कि रोटेशन एट पॉइंट बी एंड रोटेशन एट पॉइंट सी. यानी कि आई के यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज़ 2. यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख देता हूँ कौन कौन से ये थीटा बी और थीटा सी. यहाँ पे एक और देखो स्टिफनेस मैट्रिक्स का एक बेनिफिट है तुम लोगों को, अगर तुम लोगों को किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन चाहिए, इट मे बी वर्टिकल डिफ्लेक्शन या फिर तुम लोगों को रोटेशन चाहिए, तो उस पॉइंट को मैं जॉइंट कंसिडर कर सकता हूँ. ध्यान में रखना इफ अगर ये प्रॉब्लम दे दिया तुम लोगों को एंड एग्जाम्पल में तुम लोगों को बोला कि फाइंड आउट दी वर्टिकल डिफ्लेक्शन बिलो दी 100 किलो न्यूटन, अगर इस पॉइंट को अपने को यहाँ पे 100 किलो न्यूटन के नीचे अगर तुम लोगों को डिफ्लेक्शन चाहिए तो यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट कंसिडर करूँगा जिसको मैं जॉइंट बोलूँगा. तो अगर एक और जॉइंट यहाँ पे आ जाता है तो उसका भी अपने को रोटेशन और डिफ्लेक्शन दिखाना पड़ेगा आई के में, बिकॉज आई के मतलब क्या रहता है, इट इज़ नथिंग बट जॉइंट डिस्प्लेसमेंट. तो जॉइंट हम लोगों के ऊपर है कौन सा कंसिडर करने का. ओके तो इसलिए ये मिनिमम हम लोग इतना कंसिडर कर सकते हैं जहाँ पे अपने को पूछा है एनालिसिस के लिए. अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछा तो हम लोग उसको भी जॉइंट कंसिडर कर सकते हैं. सो दिस इज आई के वैल्यू. सो वी कैन से दैट इज थीटा बी इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, थीटा सी इज द सेकंड कोऑर्डिनेट. सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे दैट इज वी विल प्रोवाइड द फिक्सिटी एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी. सो लेट अस टेक, ये तुम लोगों का ऑलरेडी फिक्स ही है. देखो ये रोलर है, पहले मैं इसको रोलर एज इट इज पहले बना लेता हूँ. ओके ये लोडिंग भी अप्लाई कर लेते हैं हम लोग. दिस इज योर 20 किलो न्यूटन पर मीटर और यहाँ पे एक पॉइंट लोड है दैट इज 100 किलो न्यूटन. सो नाउ सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, वी विल प्रोवाइड द कोऑर्डिनेट्स. सो वी कैन से एट पॉइंट बी देर इज दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट. देखो मैंने क्लॉकवाइज लिया हुआ है. नॉर्मली हम लोग हर एक चीज़ क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव बोलते रहते हैं, तो इसलिए मैक्स टू मैक्स ऐसे ही कंसिडर करो कि हम लोग क्लॉकवाइज ही पॉजिटिव है, बिकॉज अपना साइन कन्वेंशन जो अभी तक हम लोग कंसिडर करते आ रहे हैं उसके अलाइन ये यहाँ पे साइन कन्वेंशन जनरेट हो जाएगा. तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोग को ये क्लॉकवाइज ही पॉजिटिव मिलेगा. इट इज़ नॉट कंपल्शन, आपको चाहिए तो एंटी क्लॉकवाइज ही पॉजिटिव ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू. सो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे दिए हम लोग ने, जितने डिफ्लेक्शंस रहेंगे या फिर तुम लोग के आई के वैल्यू रहेंगे उतने हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे देंगे. सेकेंड वी विल प्रोवाइड दी फिक्सिडिटी एट दी कोऑर्डिनेट्स. सो इसको भी मैं फिक्स कर दूंगा और इसको भी मैं फिक्स कर दूंगा. सो वी कैन से बी और सी दोनों यहाँ पे फिक्स हो गए. वाई देखो टोटली रिवर्स है. फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में हम लोगों ने बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पे हम लोग उल्टा कर रहे हैं, हम लोग टोटल फिक्स्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं. जितना भी अलोवेबल था उसको डायरेक्टली हम लोगों ने फिक्स कर दिया. Now we will find out the fixed end moment. Why required the fixed end moment? Because we required the PL matrix. तो PL matrix अपने को मिलने वाला है by these fixed end moments only. Because max to max तुम लोगों के rotations ही unknown रहते हैं. Deflection भी रहेगा तो भी अपने को यहाँ पे vertical reaction निकालना पड़ेगा. So let us find out the fixed end moments.
fixed end moments. Okay, jitne hai pehle calculate kar lete, then we will think about the PL matrix. So let us fixed end moment kaun kaun sa rahega. If you consider this MFAB. Okay, already I think tum logon ne अभी तक इतना फिक्स्ड मोमेंट का प्रैक्टिस नहीं किया है, सो डायरेक्शन थोड़ा सा ध्यान में रखो. इस साइड पे क्या रहेगा, इस साइड पे रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड पे रहेगा क्लॉकवाइज. ओके, फिक्स्ड मोमेंट है ये, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स. तो यहाँ पे अगर चेक करोगे तो इट विल बी डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ए बी की बात कर रहे हैं तो इट विल बी नेगेटिव डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12. सो प्लीज कैलकुलेट इट. डब्ल्यू इज 20 मल्टीप्लाई लेंथ इज आई थिंक इट इज 5 मीटर divided by 12. I think it is minus, wait a second, maybe calcium. I'm also taking the calcium. Please check calculation. Agar tum logo ko fatafat jam raha hai to fatafat 20 into 5 square divided by 12, 41.667. okay, this is in kilonewton meter. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट MFBA क्या रहेगा, सेम वैल्यू रहेगी बट इन अपोजिट डिरेक्शन. सो वी कैन से प्लस 20 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12. सो इट विल बी पॉजिटिव 41.667 किलोन्यूटन मीटर. सिमिलरली वी विल फाइंड आउट द फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर द बी सी मेंबर ऑल्सो, बिकॉज बी सी के ऊपर भी लोडिंग है. सो वी कैन टेक बी सी मेंबर, इधर पॉइंट लोड है 100 किलो न्यूटन का. ओके, दोनों पॉइंट यहाँ पे फिक्स्ड ही है. सो देखो यहाँ पे डायरेक्शन देखो, ऊपर से लोडिंग आ रहा है तो उसको अपोजिट करने के लिए ये तुम लोगों का फिक्स्ड मोमेंट रहता है. सो वी कैन से MFBC विल बी नथिंग बट नेगेटिव WL डिवाइडेड बाय 8. ओके, फिक्स्ड मोमेंट ऑलरेडी अपने को पता है, सब हम लोगों ने डेरिवेशन देखा था पहले से ही, 4 डिवाइडेड बाय 8. सो इफ यू कैलकुलेट 4 टू ज़ा 8 और 2 ये यहाँ पे आ जाएगा 50. दिस इज 50 किलो न्यूटन मीटर. सिमिलरली अगर मैं MFCB भी कैलकुलेट करूँगा तो MFCB भी अपने को मिल जाएगा यहाँ पे प्लस 50 किलो न्यूटन मीटर. ओके, बिकॉज सिमेट्रिक लोडिंग है, सिमेट्रिक नहीं रहता था तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वेरिएशन आता था. नाउ वी रिक्वायर्ड दी PL मैट्रिक्स. तो PL मैट्रिक्स के लिए देखो दो ही कोऑर्डिनेट अपने पास, P1L और यहाँ पे P2L मिलेगा अपने को. सो P1L की बात करेंगे तो दैट P1L विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट एट फर्स्ट कोऑर्डिनेट. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है मतलब जो भी मोमेंट क्लॉकवाइज में आएगी वो पॉजिटिव रहेगी. तो BA आएगा और BC दोनों का यहाँ पे समेशन होगा. सो वी कैन से MFBA प्लस MFBC दोनों का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला हुआ है. एम एफ बी ए यहाँ पे निकाला था नीचे, आई थिंक इट इज प्लस 41.667 वेयर एज MFBC चेक करोगे तो इट इज नेगेटिव 50. सो दोनों का अगर कैलकुलेशन करोगे तो इट विल बी 50 माइनस 41.667 इट इज माइनस 8.333 किलो न्यूटन मीटर. सिमिलरली जब P2L मैट्रिक्स निकालोगे तो P2L के लिए देखो एट सेकेंड कोऑर्डिनेट कौन कौन से मोमेंट यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, ओनली MFCB और कोई यहाँ पे मेंबर नहीं है तो एक ही आएगा, दैट इज MFCB ओनली. सो MFCB का वैल्यू है अपने पास दैट इज प्लस 50 किलो न्यूटन मीटर. सो PL मैट्रिक्स की बात करेंगे तो PL मैट्रिक्स विल बी नथिंग बट योर फर्स्ट इज 8.333 एंड सेकेंड वन दैट इज 50 only. So this is your PL matrix. After getting the PL matrix, then we will further proceed for the stiffness matrix. Okay, because compatibility equation, ये अपना joint equilibrium equation देखोगे तो इसमें PL matrix मिल गया. P matrix तो directly अपने को मिल जाएगा. Diagram observe करके most of the time ये 0-0 ही रहेगा. बच गया सिर्फ K matrix, that is nothing but our stiffness matrix. तो वो हम लोग find out करेंगे अभी. So let us try for the stiffness matrix. K. तो K यहाँ पे कौन कौन सा आएगा, देखो यहाँ पे एक तुम लोग को ये सीखना पड़ेगा, जब मैं K बोलता हूँ यहाँ पे तो पहले K तुम लोग को लिख के रखना पड़ेगा कि कितना आने वाला है.
नंबर ऑफ, तुम लोगों को आई के का वैल्यू देखोगे तो 2 है यहाँ पे, तो स्टिफनेस मैट्रिक्स का डिग्री जो रहेगा वो 2/2 रहेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 4 वैल्यूज आएंगे, K11, K12, K21 और K22। यहाँ पे देखो तुम लोगों को एक सिमिलैरिटी मिलेगी, ऑब्वियसली हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालने, सॉरी ये फोर्सेस कैसे निकालने वाले हैं, दैट इज स्टिफनेस कोएफिशिएंट, बाय अप्लाइंग द यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट कॉलम अगर ऑब्जर्व करोगे तो K11 का मतलब क्या है, दैट इज फोर्स रिक्वायर्ड इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये सेकेंड जो है तुम लोगों का कॉलम में से सेकेंड वैल्यू, इसका क्या मतलब है, दैट इज फोर्स प्रोड्यूस या रिक्वायर्ड इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। दोनों में चेक करोगे तो तुम लोगों का सेकेंड जो प्लेस है कोऑर्डिनेट का, दैट इज 1 1, ये कांस्टेंट है, मतलब जब मैं यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करूंगा इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो डायरेक्टली अपने को फर्स्ट कॉलम टोटल मिल जाएगा। इन द सिमिलर वे अगर यहाँ पे भी चेक करोगे तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करता हूँ तो अपने को ये दोनों वैल्यूज मिल जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टिफनेस मैट्रिक्स में कॉलम वाइज जाते हैं, दैट इज वी विल अप्लाई द डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट वाइज, इफ यू अप्लाई द फर्स्ट वन, इफ यू अप्लाई द फर्स्ट कोऑर्डिनेट दैट इज थीटा बी इज इक्वल्स टू 1, एट दैट टाइम बाकी के कोऑर्डिनेट जो है वो 0 रखेंगे हम लोग सब, उसके लिए अपने को टोटल फर्स्ट कॉलम मिल जाएगा। सो लेट अस सी कैसे हम लोग करते हैं, क्या करेंगे हम लोग, वी विल जस्ट ड्रॉ द स्केलेटन ऑफ द डायग्राम। ओके, ऑलरेडी नो कौन कौन से यहाँ पे फिक्स है, कौन कौन से यहाँ पे फिक्स नहीं है, वो टोटल पहले से तुम लोगों को पता होना चाहिए। सो लेट अस कंसिडर, ये तुम लोग का पहले से फिक्स था, देन बी जो पॉइंट है वो भी हम लोगों ने फिक्सिटी प्रोवाइड कर दिया है खुद से, सी जो पॉइंट है उसको भी हम लोग फिक्स कर देंगे खुद से। नाउ वी विल टेक दैट इज थीटा बी इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे हम लोग सिर्फ थीटा बी इज इक्वल्स टू 1 अप्लाई करेंगे, यानी कि 1 डिग्री। तो 1 डिग्री यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट का डिरेक्शन क्या है, क्लॉक वाइज, तो मैं यहाँ पे जो सपोर्ट है वो भी क्लॉक वाइज में ही रोटेट करूंगा। तो क्लॉक वाइज में रोटेट हुआ तो ये कैसे रोटेट होगा, जस्ट टेक अ लुक, ऑब्वियसली ये इस तरह से चला जाएगा रोटेट होके, एज यू मीट ऑब्वियसली हम लोग 1 डिग्री डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते, तो ये क्लॉक वाइज में रोटेट हो गया। तो अभी डिफ्लेक्टेड शेप पहले बनाने का, डिफ्लेक्टेड शेप देखो, बिफोर डिफ्लेक्शन यहाँ पे 90 डिग्री था, तो आफ्टर डिफ्लेक्शन भी ऑब्वियसली ये 90 डिग्री मेंटेन करेगा। तो ये वाला मेंबर देखो ये ऊपर से निकलेगा इस साइड का, रिटर्न एंड पे जाके ये भी फिक्स है, तो फिक्स है मतलब इसको भी 90 डिग्री मेंटेन करना चाहिए। ये नीचे वाला जो मेंबर है बीसी वाला मेंबर, ये नीचे से निकलेगा और इसको भी यहाँ पे 90 डिग्री मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा। नाउ वन बाय वन हम लोग यहाँ पे मोमेंट्स कितना जनरेट हुआ वो निकालेंगे। सो लेट अस टेक, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है। अभी चेक करोगे जब मैं ए बी की बात करता हूँ, बी को मैंने रोटेट कर दिया सिर्फ इस पार्ट के लिए क्लॉक वाइज में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्लॉक वाइज मूवमेंट जनरेट होगा, यहाँ पे भी क्लॉक वाइज मूवमेंट जनरेट होगा। ओके, वैल्यू क्या रहता है, जिस पॉइंट को मैंने जनरेट किया है उसका वैल्यू रहेगा 4EI डिवाइडेड बाय L। तो बी ए के लिए बात करेंगे तो लेंथ कितना है 5 मीटर, बी सी के लिए बात करेंगे तो 4EI डिवाइडेड बाय L कितना है 4 मीटर। जितना भी तुम लोगों का नियर एंड के ऊपर जनरेट होगा उसका हाफ कैरी ओवर फार एंड के ऊपर चला जाएगा। तो बी के ऊपर यहाँ पे 4EI/5 हो गया, यानी कि इस साइड में जाके ये आ जाएगा क्लॉक वाइज 2EI/5। एंड इस सेम वे इस साइड में भी B पे 4EI/4 हुआ तो फार एंड के ऊपर चले जाके ये भी क्लॉक वाइज 2EI/4 इतना फोर्स जनरेट होगा। ओके, नाउ सिंपल वी विल टेक फर्स्ट कॉलम डायरेक्टली, दैट इज K11, फर्स्ट क्वांटिटी देखो K11 और सेकेंड कॉर्डिनेट K21, ये दोनों हम लोग निकालेंगे। अभी K11 की बात करेंगे तो इट इज नथिंग बट फोर्स जनरेटेड इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर दिया तो फोर्स कितना जनरेट हुआ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का अपने को एडिशन करना पड़ेगा, दोनों क्लॉक वाइज है तो दोनों का यहाँ पे एडिशन होगा, दैट इज 4EI/5 +4EI/4। दोनों का अगर एडिशन करते तो दैट इज 4/5 +1, तो 4/5 +1 आएगा आई थिंक 9/5, सो इट इज 9EI/5। पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में भी लिख सकते हो। सिमिलरली K21 मतलब क्या, देखो पहले अंडरस्टैंड करो K21 मतलब क्या है।
K21 मतलब इट इज फोर्स जनरेटेड इन सेकेंड कोऑर्डिनेट ड्यू टू द यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर दिया है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट कौन सा था? इफ यू ऑब्जर्व सेकेंड कोऑर्डिनेट इट इज नथिंग बट थीटा सी. तो थीटा सी के यहाँ पे कितना फोर्स जनरेट हुआ? रोटेशन के लिए मोमेंट जनरेट होना चाहिए, तो यहाँ पे 2EI डिवाइडेड बाय 4 जनरेट हुआ. वो भी क्लॉकवाइज है, अपना कोऑर्डिनेट भी क्लॉकवाइज है, तो ये आ जाएगा 2EI डिवाइडेड बाय 4. इफ यू वांट टू सिंपलीफाई इट इज 1/2, अदरवाइज 0.5EI. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट. K11 K21 नाउ सेकेंड वन. अपने को अभी सेकेंड कॉलम फाइंड आउट करना है, तो सेकेंड कॉलम के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू अप्लाई यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड कोऑर्डिनेट. सो लेट अस टेक न्यू पेज और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट दे देते हैं, दैट इज थीटा सी इज इक्वल्स टू 1. एट दैट टाइम बाकी के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे इट विल बी 0, बाकी सब फिक्स ही रहेंगे. तो रिटर्न स्केलेटन हम लोग ड्रॉ करेंगे. हर एक पॉइंट पहले फिक्स था, तो ये भी देखो ये पहले फिक्स है. आफ्टर दैट ये भी तुम लोगों का फिक्स ही था पहले बी, और ये सी भी तुम लोगों का फिक्स है पहले. नाउ वी विल अप्लाई दी थीटा सी इज इक्वल्स टू 1. तो थीटा सी इज इक्वल्स टू 1 अप्लाई करेंगे. थीटा सी चेक करो, थीटा सी का कोऑर्डिनेट भी क्या था? क्लॉकवाइज था. ओके सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे हम लोग. तो क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद देखो ये कुछ ऐसा रोटेट होगा. क्लॉकवाइज मतलब इस साइड से रोटेट हुआ, तो देखो ये भी ऊपर से ही निकलेगा. फिक्सिटी यहाँ पे, तो मतलब ये 90 डिग्री मेंटेन करेगा और ये भी 90 डिग्री मेंटेन करेगा. ओके चाहिए तो इसको थोड़ा सा ठीक से बनाओ. यहाँ से परफेक्टली ये 90 डिग्री निकल गया, यहाँ पे ये थोड़ा नीचे आएगा, देन ही विल गो स्ट्रेट. ओके टू मेंटेन दिस 90 डिग्री. सो रिटर्न, ये देखो ये यहाँ पे फिक्सिटी है, इसको ही मैंने रोटेट किया, तो ऑब्वियसली ये इसका जो डिफ्लेक्शन है इससे पास नहीं होगा साइड में, बिकॉज ये ऑलरेडी फिक्स सपोर्ट है. तो कितना भी यहाँ पे मैं रोटेशन अप्लाई करूंगा ये इस साइड में पास नहीं होगा. सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. नाउ जहाँ पे मैंने रोटेशन अप्लाई किया वहाँ पे कितना मोमेंट जनरेट होगा? क्लॉकवाइज में 4EI डिवाइडेड बाय L. तो 4EI डिवाइडेड बाय लेंथ कौन सा ये? 4 मीटर. उसके फार एंड के ऊपर उसका सिर्फ हाफ चला जाएगा, सो इट इज 2EI डिवाइडेड बाय 4. बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. तो सिंपल अपने पास सेकेंड कॉलम है, सेकेंड कॉलम क्या था? दैट इज 1 2, K12 दैट इज फोर्स जनरेट इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड कोऑर्डिनेट, एंड सेकेंड था तुम लोगों का K22. सो चेक करोगे K12 फोर्स जनरेट इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है? 2EI डिवाइडेड बाय 4 विच इज नथिंग बट 0.5 ऑफ EI. K22 विल बी 4EI डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो इट विल बी EI ओनली. सो नाउ वी विल सिंपली पूरा मैट्रिक्स अगर मैं लिखता हूँ तो के मैट्रिक्स विल बी नथिंग बट अपने पास पहले का वैल्यू है यहाँ पे 9/5 और 0.5. दिस इज 0.5EI और ये सेकेंड कॉलम है अपने पास, दैट इज 0.5EI और ये भी रहेगा ओनली सिंगल EI. इफ यू ऑब्जर्व स्टिफनेस मैट्रिक्स भी तुम लोगों का डायगोनली सिमेट्रिक रहता है. ओके तो इसीलिए हर बार बहुत तुम लोगों के वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, अगर एक भी निकाल दिया तो भी चलेगा, बट फॉर द क्रॉस चेक अपना राइट है या रॉन्ग है उसके लिए तुम लोग निकाल सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग यूनिट डिस्प्लेसमेंट पे अप्लाई करना ही पड़ेगा हर एक पॉइंट में. इसीलिए क्रॉस चेक के लिए चेक करो कि वो डायगोनली सिमेट्रिक आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो इट इज राइट, अदरवाइज आपने कुछ मिस्टेक किया रहेगा. सो आफ्टर गेटिंग दिस स्टिफनेस मैट्रिक्स फर्दर वी विल गो फॉर द इक्विलिब्रियम इक्वेशन. इक्विलिब्रियम इक्वेशन है अपने पास, दैट इज टोटल लोड विल बी नथिंग बट लोड ड्यू टू दी सॉरी रिएक्शन ड्यू टू दी एक्सटर्नल लोडिंग मल्टीप्लाई प्लस के मल्टीप्लाई डेल्टा मैट्रिक्स. तो पी की बात करेंगे तो यहाँ पे पी जीरो ही रहेगा, बिकॉज चेक करो अपना कोऑर्डिनेट क्या था? रोटेशन था. ओके यानी कि 1 और 2, तो 1 और 2 के ऊपर कोई लोड है क्या एक्चुअल क्वेश्चन में? चेक करोगे तो यहाँ पे भी कोई लोड नहीं है और यहाँ पे भी कोई मोमेंट नहीं है, तो दोनों मोमेंट यहाँ पे जीरो है, तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं ये 0 0. नेक्स्ट वन दैट विल बी इक्वल्स टू योर रिटर्न PL मैट्रिक्स. PL मैट्रिक्स देखो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला हुआ है, दैट इज -8.333 और 50.
आफ्टर दैट के मैट्रिक्स, इफ यू वॉन्ट ई आई को कॉमन निकालना है तो निकाल सकते हो, 9/5.5 इज 0.5 ई आई, ये भी तुम लोगों का 0.5 ई आई आएगा और ये लास्ट में ई आई है. ओके ये भी तुम लोगों का, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये हम लोग ऐसे नहीं दिखाएंगे. ओके दिस इज कॉलम मैट्रिक्स का तुम लोगों का इंडिकेशन है, इट शुड बी रिटन लाइक दिस ओनली. मल्टीप्लाई योर डेल्टा मैट्रिक्स, डेल्टा मैट्रिक्स इज नथिंग बट योर अननोन डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा बी और थीटा सी कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही लिखना है. सो इफ यू सॉल्व दिस मैट्रिसेस यू विल गेट दी थीटा बी एंड थीटा सी. देखो इक्वेशन कैसे होगा, दैट इज 9/5 ई आई मल्टीप्लाई बाई थीटा बी प्लस 0.5 ई आई मल्टीप्लाई बाई थीटा सी, दैट शुड बी इक्वल्स टू, ये उस साइड में जाके प्लस हो जाएगा, दैट इज 8.333. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. सेकेंड इक्वेशन आएगा दैट इज 0.5 ई आई इंटू थीटा बी प्लस ई आई इंटू थीटा सी, दैट शुड बी इक्वल्स टू -50. सो सॉल्व करो साइमल्टेनियसली बोथ इक्वेशंस सो दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा बी एंड थीटा सी. ई आई भूल जाओ, ई आई का इतना कुछ टेंशन नहीं है, डायरेक्टली वी विल टेक द थीटा बी एंड थीटा सी ओनली. यस एनी वन 21.505 and 60.752. Okay, ये divided by EI होगा और theta C is nothing but your 60.752. डिवाइडेड बाई ई आई पहले इक्वेशन में मत पुट करो, लेकिन देखो ये ई आई का वैल्यू इधर जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसलिए आंसर में वो डिनोमिनेटर में आ रहा है. ये तुम लोगों को सिर्फ थीटा सी और थीटा बी का वैल्यू मिला, पॉजिटिव है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉर्डिनेट डिरेक्शन ने हम लोगों ने एज्यूम किया वो बराबर है, यानी कि ये क्लॉकवाइज में रोटेट होगा और ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होने वाला है. बट जस्ट पुट जैसे वैसे की वैसे ही पुट करके रखो. वी विल यूज दिस स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन टू फाइंड आउट द एक्चुअल योर मोमेंट्स. सिंपल नेक्स्ट जो हम लोग का रहेगा दैट इज स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन. सो फर्स्ट जो था एम ए बी, एक इक्वेशन में लिख देता हूं डायरेक्टली, बाद में वैल्यूज लिख देता हूं. एम एफ ए बी प्लस 2EI डिवाइडेड बाय एल इन ब्रैकेट 2θA प्लस थीटा बी. यहां पे 3 डेल्टा का नहीं लिखा तो भी चलेगा बिकॉज वो जीरो ही होने वाला है. ओके हर एक इक्वेशन में डेल्टा जीरो ही रहने वाला है बिकॉज डेल्टा हम लोग के पास आया ही नहीं अभी. सो यहाँ पे डेल्टा ए का वैल्यू भी जीरो ही है, जो वैल्यूज बचता है सिर्फ उसका ही वैल्यूज लिखो. सो एम एफ ए बी हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला था, दैट इज एम एफ ए बी इज नथिंग बट 41.667 नेगेटिव. प्लस 2EI डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ 5 मीटर इन ब्रैकेट थीटा बी का वैल्यू अपने को मिला है 21.505 डिवाइडेड बाय EI. यहाँ से EI कैंसिल हो जाएगा. ओके और कुछ नहीं है, सो सिर्फ इतने से ही अपने को मिलेगा आंसर. प्लीज कैलकुलेट इट. यहाँ से एम ए बी मिलेगा, प्लीज चेक द वैल्यू कितना आ रहा है, वो 33.065. किलो न्यूटन मीटर, ये एक्चुअल मोमेंट्स है अभी. नेक्स्ट रिटर्न एम बी ए की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो इट विल बी एम एफ बी ए दैट इज 41.667 प्लस 2EI डिवाइडेड बाय एल. एल देखो बी ए के लिए 5 मीटर ही रहेगा. इन ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे थीटा ए और बी, ये देखो ऐसे था रिलेशन, यानी कि ए बी के लिए, तो बी ए के लिए क्या हो जाएगा 2θB प्लस थीटा ए. तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 21.505 आ जाएगा डिवाइडेड बाय ई आएगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा. जस्ट कैलकुलेट इट कितना आ रहा है ये,
MBA is equals to 58.871. ओके, उसके बाद हम लोग लेंगे लास्ट, देखो यहां पे MBC, तो MBC के लिए क्या आएगा, MFBC, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, MFBC इज -8.333. MFBC इज -50. This is -50 plus 2EI divided by L. तो L अपना 4 मीटर है. 2 थीटा B plus थीटा C आएगा यहाँ पे. So we can write 2 थीटा B, that is 2 into 21.505 divided by EI plus थीटा C. तो थीटा C का वैल्यू है अपना -60.752. डिवाइडेड बाई ई आई, प्लीज कैलकुलेट इट. यहाँ पे भी डेल्टा जीरो हो जाएगा बिकॉज डेल्टा का वैल्यू है ही नहीं. इट शुड बी -58.871. प्लीज चेक इट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. ओके, वाई इट इज कमिंग, बिकॉज दोनों सेम ही आएगा. देखो ये MBA और MBC दोनों सेम आना चाहिए, तो यहाँ से आपको एक क्रॉस चेक मिलेगा कि दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, बिकॉज ये जॉइंट मोमेंट है. तो BA साइड का और BC साइड का दोनों सेम ही आएगा, भले ही देखो इक्वेशन अलग है लेकिन ये दोनों सेम आएगा. अगर ये सेम नहीं आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है आपके कैलकुलेशन में, थोड़ा डिजिट में फ़र्क आ गया तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट वैल्यूज तुम लोगों का मैच होना चाहिए. और लास्ट में MCB अगर देखोगे तो MCB विल बी MFCB प्लस 2EI डिवाइडेड बाय L इन ब्रैकेट 2 थीटा C, that is -60.752 divided by EI plus यहाँ पे आ जाएगा theta B, that is 21.505 divided by EI. तो ये जो आएगा इट शुड बी इक्वल्स टू जीरो. वाई जीरो, बिकॉज मेन अगर डायग्राम चेक करोगे तो थीटा C के ऊपर देखो यहाँ पे C के ऊपर मोमेंट है क्या, नहीं है. इट इज़ एंड रोलर सपोर्ट, तो एंड रोलर सपोर्ट के ऊपर हमेशा मोमेंट कितना रहता है, जीरो रहता है. तो क्रॉस चेक के लिए भी आप चेक कर सकते हो ये आ रहा है कि नहीं. अगर आ रहा है तो आपका आंसर राइट है, अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आपने किया रहेगा. ओके, इस तरह से आप देख सकते हो कि कौन सा तुम लोग का आंसर राइट है और रॉन्ग है. सो नाउ आई थिंक यू कैन ड्रॉ दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द गिवन वैल्यूज. ओके, लेट अस ड्रॉ इट. अपने पास 5-10 मिनट है तो उसमें हम लोग ड्रॉ कर लेंगे. अभी हम लोग टोटल में यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ करता हूँ और प्लस तुम लोगों का डिफ्लेक्टेड शेप भी ड्रॉ करता हूँ, बिकॉज वी हैव द टाइम एज वेल एज हम लोग को अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी पता है. सो लेट अस कंसिडर, पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम टोटल बना लेते हैं. दिस इज योर 20 kN पर मीटर पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी. यहाँ पे एक डाउनवर्ड लोड है, पॉइंट लोड, दैट इज 100 kN. ओके, मोमेंट्स के लिए देखो अभी यहाँ पे MAB का वैल्यू है अपने पास ऑलरेडी. MAB इज -33.065. माइनस का मतलब इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो AB के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा. 0.65. देन BA के लिए चेक करो, इट इज पॉजिटिव 58.871, इसलिए वो क्लॉकवाइज. BC के लिए देखो वो माइनस है, विद द सेम वैल्यू चाहिए तो ऑब्वियसली वो माइनस विद द सेम वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे इट इज जीरो तो नहीं लिखा तो भी चलेगा. सो नाउ वी कैन ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए अपने को पहले फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना पड़ेगा. इट इज UDL, तो UDL के लिए ये आ जाएगा पैराबोला. ओके, हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू WL² / 8. चेक करो WL² / 8, W इज 20 इंटू L इज 5 मीटर डिवाइडेड बाय 8, इट इज 62. ओके, 62.5 रिटर्न. इसके लिए चेक करोगे तो WL / 4, तो WL / 4 आई थिंक ये 100 ही आ रहा है. सिंपल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं मिडल में यहाँ पे 100,
सिमेट्रिक ड्रॉ करो उतना अच्छा रहेगा. दिस इज 101. नाउ वी कैन ड्रॉ दी एक्चुअल एंड मोमेंट्स. देखो ये दोनों पॉजिटिव थे, एंड मोमेंट में उल्टा हम लोग करेंगे, दैट इज पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ऊपर. सो बीच में अगर सेक्शन रख दिया लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव रहता है, तो इसलिए ये 33 इसका हाफ आएगा परफेक्टली. सो वी कैन ड्रॉ हेयर ओनली 33.065. ये चेक करोगे 58.875. यहाँ से ले रहे हो तो राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज है, मतलब नेगेटिव ही आएगा. तो इसको भी मैं यहाँ पे किधर पॉइंट ले देता हूँ, ये तुम लोगों का 58 का हो गया. इस साइड से भी देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव मैच हो रहा है. तो इसको सिर्फ हम लोग ज्वाइन करेंगे. वॉट एवर जो तुम लोगों का एरिया बचेगा, देखो ये नेगेटिव एरिया है तो नेगेटिव के लिए देखो रेड से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. ये भी तुम लोगों का नेगेटिव एरिया हो गया, बाकी का जो बचेगा इट इज योर पॉजिटिव वन. ओके, तो वी कैन डायरेक्टली से दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव और दिस इज पॉजिटिव. इससे देखो अपने को पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर मिल रहे हैं. दिस इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, ये सेकेंड, ये थर्ड. ओके, सो नाउ वी कैन ड्रॉ द डिफ्लेक्टेड शेप ऑल्सो. तो डिफ्लेक्टेड शेप के लिए देखो पहला जो डायग्राम है वैसे के वैसे मैं यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए डायग्राम बना लेता हूँ. लेट अस कंसीडर ये फिक्स से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से सी तक. चेक इट, हम लोग का जो पहला पॉइंट रहेगा ये फिक्स पॉइंट तो किधर हिलने वाला नहीं है, तो ये एज इट इज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिक्स्ड वन. रोलर वाला भी वर्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं है कुछ, तो रोलर वाला भी उधर ही रहने वाला है. ये भी रोलर वाला वैसे के वैसे वहाँ पे ही रहेगा. नाउ देखो जो मैंने फोर्स मेथड में निकाला था एट दैट टाइम अपने को थीटा बी थीटा सी का वैल्यू नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे अभी अपने को थीटा सी और थीटा बी का वैल्यू पता है. थीटा बी देखो 21.505 पॉजिटिव है. पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, और थीटा सी नेगेटिव है मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है. तो यहाँ पे मैं पहले से रोटेशन दिखा सकता हूँ, यानी कि ये क्या था क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मतलब देखो ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये कुछ ऐसा जाएगा. यहाँ पे जो रोटेशन रहेगा इट विल बी क्लॉकवाइज, इधर से नीचे इधर से ऊपर, मतलब क्लॉकवाइज. और ये जो तुम लोगों का था इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कुछ ऐसा आएगा. ओके, यानी कि ये पहले स्टेट था, इस साइड से ये रोटेट हो गया एंटी क्लॉकवाइज में. नाउ फर्दर वी विल ड्रॉ दिस योर डिफ्लेक्टेड शेप. चेक करोगे तो यहाँ से देखो हॉगिंग आएगा, रिटर्न ये सैगिंग होगा और रिटर्न ये हॉगिंग, मतलब ये तुम लोग का देखो हॉगिंग कहाँ से निकलेगा, नीचे की साइड से जाएगा ये. आफ्टर दैट रिटर्न ये सैगिंग अप टू व्हाट पॉइंट, देखो इस पॉइंट तक तुम लोग का सैगिंग है, और उसके बाद रिटर्न ये तुम लोग का हॉगिंग हो गया. अगर रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ करना है तो यहाँ पे मैं लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ. ये इधर से भी एक नीचे ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये इधर से भी एक आएगा, और ये लास्ट वाला. सो चेक करोगे तो पहला पॉइंट अपने को मिल रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ये, दिस इज सेकेंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर. यहाँ से लेके यहाँ तक ये हॉगिंग है, नेगेटिव है इसलिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सैगिंग है पॉजिटिव है इसलिए, यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक ये हॉगिंग रहेगा बिकॉज नेगेटिव है, और इसके बाद वाला जो रहेगा इट इज़ नथिंग बट टोटल सैग. ये हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं टोटल सैगिंग वन. ठीक है, ये हो गया सैगिंग. तो टोटल दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज योर डिफ्लेक्टेड शेप. यानी कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा या फिर डिफॉर्म होगा, और दिस इज योर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ओके, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मेथड अगर मैं यूज करता हूँ तो डिफ्लेक्टेड शेप अपने को प्रॉपरली मिल जाता है. फोर्स मेथड में अपने को आइडिया नहीं रहता है कि डिफ्लेक्शन कितना आएगा, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं. अगर डिस्प्लेसमेंट मेथड है तो वहाँ पे अपने को एक्चुअल मिल जाएगा.